हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म को लेकर आया हूं जो समय के साथ और डार्क होती चली जाती है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है। हम एक लड़की को एक बिल्डिंग के विंडो पे खड़ा देखते हैं। उसका नाम ईवा है। वो देखती है कि अभी शहर में परमाणु हमला हुआ है, जिससे परमाणु से निकलने वाले फायर स्टॉर्म तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर ईवा काफी डर जाती है। तभी पीछे से एक शख्स आता है और ईवा को लेकर बिल्डिंग के नीचे भागने लगता है। वो ईवा का बॉयफ्रेंड सैम था। हम देखते हैं सैम ईवा को लेकर बिल्डिंग के बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में 8 लोग फंस चुके हैं। वहाँ एक शख्स था, मिकी। वो दरवाजे पर टेप लगा देता है ताकि रेडिएशन अंदर न आ जाए। मिकी पहले से ही उसी बेसमेंट में रहता था। वहाँ एक महिला है, मैरिलिन, और उसकी छोटी बेटी है वेंडी। वहाँ एक और शख्स है जिसका नाम डेल्विन है, और दो भाई जॉश और एड्रियन। वहाँ जॉश का एक दोस्त भी है जिसका नाम बॉबी है। मिकी कहता है यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं। कोई इस दरवाजे को नहीं खोलेगा जब तक कि रेडिएशन क्लियर ना हो जाए। वो कहता है अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी लोगों को बाहर से तेजी से गिरने की कुछ आवाज आती है। शेल्टर में सब हिलने लगता है, सब डरने लगते हैं। मिकी बताता है कि बिल्डिंग नीचे गिर गई है। जॉश और बॉबी के ऊपर धूल गिर जाती है। सबको लगता है ये रेडिएशन डस्ट है, पर मिकी बताता है ये शेल्टर के अंदर की धूल है। वेंडी मिकी के पास आती है। वो कहती है उसे यहाँ नहीं रहना है, घर जाना है। पर मिकी उसे कहता है अगर वो इस शेल्टर से बाहर गई तो रेडिएशन से उसके बाल गिरने लगेंगे और उसके शरीर से स्किन मेल्ट होकर गिरने लगेगा। ये सुनकर वेंडी डरने लगती है। मैरिलिन वेंडी के पास आ जाती है और मिकी से कहती है ये बस एक छोटी बच्ची है, इसे डराओ मत। डेल्विन मिकी से आगे का प्लान पूछता है, पर मिकी उसकी बात का कोई ठीक जवाब नहीं देता। ईवा पूछती है क्या किसी का सेलफोन चालू है। एड्रियन बताता है उसके फोन में सिग्नल नहीं है। मिकी सबको खाने के लिए बीन्स देता है। डेल्विन के पास एक रेडियो डिवाइस है जिससे वो बाहर संपर्क करने की कोशिश करता है। जॉश कहता है हम कब बाहर जा पाएंगे। मिकी कहता है जब मैं बताऊंगा तब। तभी जॉश अपने फ्रेंड बॉबी को लेकर वहां से निकलने जाता है। मिकी उसे दरवाजा खोलने से मना करता है क्योंकि रेडिएशन भीतर आ जाएगा और सब मर जाएंगे। मिकी जॉश के ऊपर एक्स से हमला कर देता है। जॉश वहां से हट जाता है। सब आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मिकी बताता है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था वो मंजर काफी खौफनाक था, और चेर्नोबिल में हुआ न्यूक्लियर प्लांट का हादसा, वहाँ के वो बच्चे जो उस रेडिएशन से मारे गए। मिकी कहता है अगर डस्ट गलती से अंदर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। इस बात पर ईवा कहती है बस उसे ये सब और नहीं सुनना है। रात सब सो रहे होते हैं। ईवा जाकर देखती है वहाँ मिकी का एक पर्सनल रूम है जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आगे हम देखते हैं सैम और ईवा साथ बैठे होते हैं। वहाँ उनकी बातों से पता चलता है दोनों के बीच रिलेशन अच्छा नहीं है, पर सैम इस रिलेशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। रात जॉश खाने को देख के कहता है पता नहीं और कब तक यही बेकार खाना खाना पड़ेगा। इस पर मिकी गुस्सा हो जाता है और फिर सैम मिकी से बहस करने लगता है कि कब तक हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, हमें कुछ करना होगा। और मिकी गुस्से में सैम को पंच कर देता है। ये देखकर वेंडी डर जाती है। मिकी कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। तभी सबको बाहर से एक हलचल सुनाई देती है। सब देखते हैं मेन डोर के लॉक को कोई कटर मशीन से काट रहा है। सबको लगता है कि ये आर्मी है जो उनकी मदद के लिए आई है, पर अंदर 5 सोल्जर्स आते हैं जिन्होंने रेडिएशन सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में गन था। वो सब पर गन पॉइंट कर देते हैं, पर मिकी वहाँ नहीं था, वो पहले ही भीतर चला गया था। वो वेंडी को उठा लेते हैं और उसके गले पर कोई लिक्विड इंजेक्ट करते हैं। सब ये देख के डरने लगते हैं। फिर वेंडी को प्लास्टिक बैग में सुला दिया जाता है। मैरिलिन वेंडी को छोड़ने के लिए कहती है, पर 2 सोल्जर्स वेंडी को उठाकर लेकर चले जाते हैं और फिर बाकी लोगों को शूट करने जाते हैं। तभी जॉश उनकी तरफ टेबल उछाल देता है और सब भागने लगते हैं। मिकी एक सोल्जर को मार देता है और डेल्विन भी एक सोल्जर को जान से मार देता है। अब सिर्फ एक और सोल्जर बचा था उस शेल्टर में। वो सोल्जर सैम को देख लेता है। वो जैसे ही सैम पर गोली चलाने जाता है मिकी उस सोल्जर पर गोलियों की बौछार कर देता है। आगे हम देखते हैं एड्रियन को गोली लग गई थी और वो घायल हो गया था।
ईवा भागकर सैम के पास जाती है। सैम उस हादसे से पूरी तरह से डर गया था। ईवा उसे बताती है कि सब ठीक है। डेल्विन एक सोल्जर का सूट उतारता है। वो देखता है ये कोई एशियन शख्स है। डेल्विन कहता है ये सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया से हो सकते हैं। पर इस पर मिकी कहता है तुम पागल हो। मिकी को लगता था कि किसी अरब देश का काम है। तभी सब देखते हैं मैरिलिन मेन डोर को खोलने जा रही है। सब उसे पकड़ के स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। सब उन सोल्जर्स की बॉडी को प्लास्टिक में रैप कर देते हैं। हम देखते हैं डेल्विन रेडियो पर सिग्नल सर्च कर रहा है कि शायद उनकी मदद के लिए कोई आ जाए। पर मिकी उससे कहता है रेडियो बंद कर दो, इससे हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ईवा स्टोरेज रूम में मैरिलिन के लिए खाना लेकर जाती है। वेंडी के जाने के बाद मैरिलिन काफी रो रही थी। तभी वहां बॉबी आता है और वेंडी का बनी मैरिलिन के सामने फेंक कर चला जाता है। ईवा मैरिलिन को गले लगाकर उसे हौसला देती है। यहां सब मिलकर फैसला कर रहे होते हैं कि बाहर कौन मदद के लिए जाएगा, क्योंकि शेल्टर में एक ही रेडिएशन सूट था, बाकी डैमेज हो गए थे। ईवा कहती है कि वो जाकर पता लगाएगी, पर मिकी को भरोसा नहीं था। वो जॉश को जाने के लिए कहता है, क्योंकि जॉश अपने भाई एड्रियन के लिए जरूर वापस आएगा। जॉश सूट पहनकर रेडी होता है। मैरिलिन जॉश के पास आती है और वो कहती है वो बाहर जाकर वेंडी को सही सलामत वापस लेकर आए। जॉश उससे प्रॉमिस करता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं दरवाजे से लगा हुआ एक रेडिएशन प्रोटेक्टेड टनल है। जॉश आगे जाने लगता है। जॉश देखता है वो टनल एक लैब में जाकर खत्म होता है और वहां दो शख्स वही रेडिएशन सूट पहने कोई रिसर्च कर रहे हैं। वो देखता है एक ट्रे में काफी बाल इकट्ठा करके रखे हुए हैं। इससे पता चल रहा था वो रिसर्च इंसानों पर किया जा रहा था। जॉश आगे देखता है कुछ बच्चों को एक स्टेसिस में डाला गया है, जो कि एक तरह का कैप्सूल है, और उसमें से एक वेंडी भी थी। उसके सारे बाल निकाल दिए थे और उसकी आंखों पर बैंडेज लगा था और उसके मुंह में एक ट्यूब लगा था जिससे वो सांस ले रही थी, जिसमें उसे कोई होश नहीं था। जॉश ये देख के डर जाता है कि कितना खतरनाक रिसर्च इन बच्चों पर कौन कर सकता है। तभी एक सोल्जर जॉश को पहचान लेता है। जॉश उसे धक्का देकर वहां से भागने लगता है। भागते वक्त जॉश दो सोल्जर को शूट कर देता है और उसकी गन वही गिर जाती है। शेल्टर का दरवाजा खुलते ही जॉश भागकर अंदर चला जाता है। जॉश सबको बताता है कि बाहर सब खत्म हो चुका है, कोई सर्वाइवर नहीं बचा है, बाहर एक लैब है बस। जॉश मैरिलिन की तरफ देखता है। वो मैरिलिन से माफी मांगता है कि वो वेंडी को वापस नहीं ला पाया। जॉश इमोशनल हो जाता है। तभी सब देखते हैं कि वो सोल्जर्स बाहर से दरवाजे को वेल्डिंग कर रहे हैं, जिससे अब कोई बाहर ना आ सके। सब इस बात से काफी दुखी हो जाते हैं कि अब यहाँ से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आगे हम देखते हैं ईवा एड्रियन के कमरे में जाती है। वहाँ वो एड्रियन का बैंडेज करती है। वहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं पर कभी बात नहीं की। एड्रियन ईवा के नीचे के फ्लोर पे ही रहता था और जब एड्रियन गिटार बजाता था ईवा उसे सुना करती थी। ईवा काफी वक्त से अकेली थी। एड्रियन से बात करके उसे काफी अच्छा लगता है। दोनों किस करने जाते हैं। तभी वहाँ सैम आ जाता है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। आगे हम देखते हैं हफ्ते बीत गए हैं और सोल्जर्स की बॉडी सड़ने लगी है, जिसकी वजह से पूरे शेल्टर में गंदी बदबू आ रही थी। मिकी कहता है हम उस बॉडी के छोटे टुकड़े करके उसे सेप्टिक के रास्ते से बाहर डाल देंगे। पर बात ये थी कि उस लाश के टुकड़े कौन करेगा। इस काम को करने के लिए बॉबी आता है और लाश के टुकड़े करके उसे सेप्टिक में डाल देता है। आगे हम देखते हैं वेंडी के जाने के बाद दुखी मैरिलिन बॉबी के करीब जाने लगती है। हम देखते हैं डेल्विन मिकी को रूम में जाते हुए देखता है। डेल्विन को लगता है कि मिकी उनसे खाना चुरा रहा है और फूड शॉर्टेज की बात झूठ है। फिर डेल्विन सबको लेकर मिकी के कमरे में आ जाता है। ईवा देखती है मिकी के रूम में 9/11 अटैक के पुराने अखबार लगे हुए हैं और मिकी की वाइफ और उसकी बेटी की तस्वीर रखी है। वहाँ मिकी आ जाता है। उसके पूछने पर एड्रियन बताता है हम फूड की तलाश कर रहे हैं। मिकी कहता है मैंने पहले ही बताया है यहाँ कोई फूड नहीं है, जो कुछ बचा था सब खत्म हो गया। डेल्विन कहता है अब से इस रूम का इस्तेमाल हम भी करेंगे। इस बात पर मिकी उस पे गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं बॉबी और मैरिलिन इंटीमेट हो रहे हैं। मैरिलिन अब पूरी तरह से अपनी बेटी वेंडी को भूल चुकी है। वहाँ ईवा आ जाती है। वो मैरिलिन से कहती है अगर वो वेंडी के बारे में कुछ बात करना चाहती है तो कर सकती है, पर मैरिलिन और बॉबी उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहते हैं। ईवा गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं सबकी मिकी से बहस हो जाती है। सबको लगता है मिकी ने फूड छिपा कर रखा है पर वो किसी को बता नहीं रहा है। मिकी गुस्से में जॉश को पंच कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेल्विन लॉकर से अपनी गन निकालता है। जैसा कि हम जानते हैं डेल्विन एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसके पास गन थी। वो गन लेकर मिकी के कमरे में चला जाता है। ईवा उसे देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है।
डेल्विन देखता है मिकी के कमरे में एक सीक्रेट रूम है जहां उसने बहुत सारा फूड स्टोरेज करके रखा हुआ है। मिकी डेल्विन से गन छीन के उसे शूट कर देता है। डेल्विन की डेथ हो जाती है और ईवा ये देख के डर जाती है। ईवा सबको लेकर वहां आ जाती है। सब मिकी को पकड़ के चेयर से बांध देते हैं। सब मिकी से उस कमरे का कॉम्बिनेशन लॉक पूछते हैं पर मिकी उन्हें नहीं बताता। जॉश मिकी की एक उंगली काट देता है। मिकी डर से उन्हें वो कोड बता देता है। सब देखते हैं उस कमरे में काफी फूड स्टोरेज है। बॉबी मिकी को एक रूम में बंद करके वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं दिन बीत रहे हैं और अब शेल्टर में भी रेडिएशन का असर हमें लोगों पर दिखने लगा है। सबके बाल गिरने लगे हैं और चेहरा सफेद पड़ गया है और सब अपना मेंटल कंट्रोल खोने लगे थे। सबकी हरकतों से साफ नजर आ रहा था। ईवा वहां से उठकर चली जाती है और मेन डोर को पीटने लगती है। ईवा अब परेशान हो चुकी थी। वहां सैम आ जाता है। ईवा को सड्यूस करने लगता है पर ईवा को ये अच्छा नहीं लग रहा था। ईवा उसे धक्का दे देती है। यहाँ कमरे में बॉबी मैरिलिन और जॉश तीनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ईवा ये सब छिप कर देख रही होती है। वो एक तरह से मैरिलिन को टॉर्चर कर रहे थे। ईवा वहां से जाने लगती है। एड्रियन ईवा को ड्रिंक ऑफर करता है। दोनों साथ बैठे होते हैं। ईवा एड्रियन से बात करते वक्त काफी इमोशनल हो जाती है और वहां बस एड्रियन ही था जो ईवा को समझता था। आगे हम देखते हैं मैरिलिन कमरे से बाहर चली आ रही है। बॉबी और जॉश ने उसे बुरी तरह से सेक्सुअली टॉर्चर किया था। मैरिलिन ईवा को देख के इमोशनल हो जाती है। वो ये सब और नहीं करना चाहती थी। वहाँ जॉश और बॉबी आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर कमरे में चले जाते हैं। मैरिलिन चीख रही होती है। ईवा उसे बचाने जाती है पर एड्रियन उसे रोक लेता है। फूड स्टोरेज रूम पर जॉश और बॉबी ने कंट्रोल ले लिया था। जब ईवा फूड के लिए उसके कमरे में जाती है तो जॉश उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है पर ईवा वहां से बाहर आ जाती है। वहां एड्रियन आ जाता है। उसके पूछने पर जॉश बताता है आज से राशन मैं सप्लाई करूंगा। एड्रियन कहता है पर ये पूरे ग्रुप का राशन है। जॉश कहता है यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ हम हैं। ईवा मिकी को बाहर लेकर आती है। मिकी उसे रस्सी खोलने के लिए कहता है पर ईवा कहती है उसने सबको धोखा दिया है। मिकी बताता है मैं फूड के बारे में सबको बताने वाला था पर उसे यकीन नहीं था कि किसी की नीयत खराब हो जाए। वो ईवा को अपने पास बुलाता है और उसके कान में बताता है कि स्टोरेज रूम में एक गन है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। ईवा इस काम में सैम की मदद मांगती है क्योंकि स्टोरेज रूम में हमेशा बॉबी और जॉश रहते हैं तो वहां जाना मुश्किल था। पर सैम कहता है मिकी ने गन वाली बात उससे झूठ कही होगी। आगे हम देखते हैं सैम जॉश के रूम में ड्रिंक कर रहा होता है। ईवा सैम को बाहर बुलाती है पर वो नहीं आता। ईवा देखती है मैरिलिन एक कोने में बैठी है और उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था। जॉश ईवा को ट्रुथ और डेयर के लिए अप्रोच करता है। ईवा ट्रुथ चूज करती है। जॉश कहता है क्या तुम सैम को पसंद करती हो। इस पर ईवा कहती है हाँ। जॉश कहता है क्या तुम मेरे भाई एड्रियन को भी पसंद करती हो। इस पर ईवा कहती है तुम अपना सवाल पहले ही पूछ चुके हो। जॉश और ईवा के बीच बहस हो जाती है। सैम जॉश को शांत होने के लिए कहता है। इस पर जॉश गुस्सा हो जाता है और सैम को एक्स देता है और उसे डेयर देता है डेल्विन के लाश के टुकड़े करने का। ईवा सैम को ये करने से मना करती है पर इसमें सैम का ईगो बीच में आ रहा था। जब सैम डेल्विन की लाश के पास जाता है तो वो नहीं कर पाता। जॉश सैम का हाथ मोड़ देता है और ईवा को कहता है उसकी लाश काटे वरना वो सैम का हाथ तोड़ देगा। मजबूरन ईवा को वो बॉडी काटनी पड़ती है। रात दोनों साथ बैठे होते हैं। ईवा उस बात को लेकर बुरी तरह से दुखी हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं जॉश अपने बालों को ट्रिम कर देता है और फिर वो बॉबी के बालों को भी ट्रिम कर देता है। हम देखते हैं बॉबी रोने लगता है। शायद उसे पता था कि उनकी जिंदगी अब बस कुछ दिनों की थी। रेडिएशन धीरे धीरे उन्हें खत्म कर रहा था। बॉबी लड़कियों के कपड़े पहन लेता है और मेकअप करता है। जॉश और बॉबी के भीतर का जानवर अब पूरी तरह से बाहर आ गया था। आगे हम देखते हैं ईवा मिकी से गन के बारे में पूछती है। मिकी बताता है वो पैनिक रूम में एक लाल डब्बे में है। मिकी कहता है मुझे उम्मीद है तुम जो कुछ भी करोगी सही करोगी। मिकी उसे बताता है कि इस शेल्टर से निकलने का एक और रास्ता है जो सेप्टिक से होकर जाता है यानी कि टॉयलेट से। मिकी कहता है पर तुम्हें इस गंदगी को तैरकर पार करना होगा। ईवा जब स्टोरेज रूम में जाती है वहां जॉश और बॉबी होते हैं। दोनों ईवा को सेड्यूस करने लगते हैं। ईवा वो लाल डब्बा देख लेती है पर दोनों के रहते वो उसे हाथ नहीं लगा सकती थी। ईवा देखती है बेड पर मैरिलिन की लाश है। उन्होंने मैरिलिन को भी मार दिया था।
ज्यादा टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ईवा ये देख के डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ईवा अकेले बैठी होती है, वो देखती है रेडिएशन से उसके भी बाल गिरने लगे हैं। उसे जल्दी कुछ करना होगा। हम देखते हैं शेल्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बॉबी उसे ठीक करने चला जाता है। मौके का फायदा पाकर ईवा जॉस के पास चली जाती है और उसे सड्यूस करने लगती है, पर वो उसे कमरे से बाहर जाकर इंटीमेट होने के लिए कहती है। ये ईवा का प्लान था ताकि सैम यहाँ आकर वो गन ढूंढ सके। सैम जब कमरे में आता है, देखता है पैनिक रूम का लॉक खुल नहीं रहा है, तभी वहाँ बॉबी आ जाता है। सैम डर जाता है। बॉबी बताता है उसने और जॉश ने कमरे का लॉक कुछ दिन पहले ही चेंज कर दिया था। सैम कहता है उसे भूख लगी थी तो कुछ खाने को चाहिए। बॉबी दरवाजा खोलता है। सैम जैसे ही उस डब्बे से गन निकालता है, गन नीचे गिर जाता है और बॉबी ये देख लेता है। सैम गन उठा के बॉबी पे पॉइंट कर देता है। यहाँ हम देखते हैं ईवा जॉश को इंटीमेट नहीं होने देती। इस बात से जॉश को शक होता है। जॉश उसके सर पर जोर से मारता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है और फिर जॉश उसका रेप करता है। ईवा पास में रखी हुई पेंसिल जॉश के सर में मार देती है जिससे जॉश को गुस्सा आ जाता है और वो ईवा का गला दबाने लगता है। तभी एड्रियन आकर जॉश को पकड़ लेता है और ईवा वहाँ से निकल जाती है। यहाँ सैम बॉबी पर गन पॉइंट करके बाहर ले आता है। वहाँ जॉश भी आ जाता है। सैम दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाता है। ईवा सैम से कहती है कि बॉबी को गोली मार दे, पर सैम गलती से गोली एड्रियन पर चला देता है और एड्रियन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जॉश सैम को बुरी तरह से मारता है और बॉबी सैम को गोली मारने जाता है। तभी पीछे से आकर ईवा टिन के कैप से बॉबी का गला काट देती है। जॉश अपने भाई एड्रियन को देख के दुखी हो जाता है। ईवा भागकर मिकी के पास जाती है और उसे चेयर से छुड़ाती है। अपने भाई के मरने के बाद जॉश और गुस्से में आ जाता है और वो ईवा की तरफ भागता हुआ आता है। तभी मिकी उसे गोली मार देता है। मिकी कहता है क्या तुम खुद पर गर्व कर रहे हो। इस पर जॉश कुछ नहीं कहता, वो ईवा की तरफ देखता है और फिर वो सामने पड़ी लालटेन को जमीन पर पटक देता है और खुद को आग लगा देता है क्योंकि वहां जमीन पर गैसोलीन गिरा था। मिकी और सैम आग बुझाने लगते हैं। ईवा सेप्टिक रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है। मिकी ये देख लेता है ईवा अब वहां से बाहर निकलना चाहती थी और शेल्टर में रेडिएशन सूट भी एक ही था। ईवा वो सूट पहन लेती है और सेप्टिक को एक्स की मदद से तोड़ देती है और मिकी बाहर से ईवा को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। ईवा सेप्टिक के नीचे के टनल में कूद जाती है जहाँ सब गंदगी जमा थी। हम देखते हैं मिकी स्माइल करता है। उसे ईवा को लेकर खुशी थी क्योंकि ईवा उस नर्क से निकलने में कामयाब हो गई थी। मिकी आखिरी बार अपनी वाइफ की तस्वीर को देखता है क्योंकि शेल्टर में आग फैलती जा रही थी और कुछ देर में वो भी मर जाएगा। यहाँ बाहर ईवा देखती है सारा शहर खत्म हो चुका है और एशेज भी हवा में उड़ रहे हैं। शायद ये अब वो पहले वाला न्यूयॉर्क नहीं रहा जहाँ वो रहा करती थी। सारा शहर जलकर खाक हो गया था। ईवा ये देखकर इमोशनल हो जाती है। वो दूर दूर तक देखती है, सब खत्म हो चुका था और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों मुझे पता है आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे इस फिल्म को लेकर कि लैब में किस तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो सोल्जर्स कौन थे और परमाणु हमला कहां से और किसने किया था, मिकी का पास्ट क्या था, मिकी के वाइफ और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। ये सारे सवालों के बिना जवाब दिए ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी इस तरह से तैयार की गई थी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसकी फ्रेंचाइजी बनाना चाहते थे और इन सवालों के जवाब हमें उसके सीक्वल में मिल जाते शायद, पर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया और इसका सीक्वल कैंसिल हो गया। फिर भी दोस्तों ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया थी क्योंकि ये फिल्म काफी डार्क थी और उतने ही डार्क इसके कैरेक्टर्स थे। इस फिल्म को देखने पर पता चलता है कि सिचुएशन कैसे एक अच्छे इंसान को भी एक जानवर में बदल सकता है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।